तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वीना मालवीय जो है हाल फिलहाल पवन सिंह से मिलने के लिए मुंबई आई थी। महिला संघ की अध्यक्ष हैं वो, और कहीं ना कहीं वो ये जो इतने साल से इतने समय से चलता हुआ जो डिवोर्स का मामला है पवन सिंह का, पवन सिंह और ज्योति सिंह का, इस मामले को सुलटाने के लिए जो है मुंबई आई थी वो। और मुंबई में आने के बाद वो पवन सिंह से मिली, और आने से पहले उन्होंने एक स्टोरी भी लिखी, अपने एक फेसबुक पे एक पोस्ट भी अपलोड किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सिक्के का दूसरा पहलू जानने के लिए मुंबई जा रही हूँ। और मुंबई आने के बाद दोस्तों उन्होंने पवन सिंह से मुलाकात की, पवन सिंह ने उनको जो भी प्रूफ थे उनके पास वो सारी चीजें दिखाए खुलकर। लेकिन जब से वीना मालवीय मुंबई आई हैं, मतलब जब से मुंबई से आकर गई हैं, तब से कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर आकर जो बात कर रही है वो बहुत अलग ही लेवल का लग रहा है। तो इस बार अक्षरा सिंह ने आखिर क्या कहा है उनको, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। नमस्कार और सादर प्रणाम आप सभी को। आप लोग देख रहे हैं आपका चैनल देसी भारत, और मैं गणेश कांदू स्वागत करता हूं आपका। आपको बता दें कि ये जो इतने सालों से चलता हुआ मुद्दा है ना, इसको खत्म करने की बात ऑलमोस्ट हो गई थी, बट जो सेटलमेंट वाला किस्सा सामने आया है वो ये है कि भाई ज्योति सिंह जी जो है बहुत ज्यादा पैसे को डिमांड कर रही है, ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद पवन सिंह उतना देने के लिए मना कर रहे हैं कि वो उतना पैसा नहीं देंगे। और वीना मालवीय को भी जिस तरीके से पवन सिंह ने जो भी चीजें बताई हैं पैसों को लेकर या जिस भी चीजों को लेकर, उसके बाद वो आकर सोशल मीडिया पे ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह दोनों को ही ट्रोल करती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो अक्षरा सिंह लाइव आई थी, और लाइव आकर वो इस तरीके से नोट दिखाते हुए कहती हैं, ये देख रहे हो क्या है, ये पैसा है पैसा। जिसके बाद वो एक क्लियरली समझ रहे हो आपके ताना था दोनों तीनों लोगों के लिए। फिलहाल भाइयों, इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।